अगर पहले जैसी सरकार होती, यही दोस्ताना चलता, लूटना है लूटते चले, देना है देता चले, खाना है खाता चले, तो फिर उनको भागना भी नहीं पड़ता। इन लोगों को भागना इसलिए पड़ रहा है कि यहाँ पर उनको कानून नियमों का पालन करना पड़ेगा, पाई पाई चुकता करनी पड़ेगी, और इसलिए भागे हैं। जो भागे हैं उनको लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नीति नियम होते हैं, उसका पूरा पूरा उपयोग किया जा रहा है। ऐसे भगोड़ों के लिए मजबूत से मजबूत हमने कानून बनाए हैं, उनकी संपत्ति जब्त करने का कानून बनाया है। इतना ही नहीं, विदेशों में उनकी संपत्ति है तो उसको भी जब्त करने का कानून बनाया है। इसलिए सरकार के हाथ में जितने विषय हैं उनका पूरी तरह हम उपयोग कर रहे हैं, और मैं विश्वस्त हूँ कि पहले इस देश से भागे हुए कोई वापिस नहीं आए। इस सरकार के समय भागे हुए लोग आज नहीं तो कल कभी न कभी आएंगे। डिप्लोमेटिक चैनल से भी प्रयास हो रहा है, कानूनी तरीके से भी प्रयत्न हो रहा है, कानून बना करके संपत्ति जब्त करने की दिशा में भी प्रयास हो रहा है, और हम हिंदुस्तान का पाई पाई जो चुराने वाले लोग हैं, हम पाई पाई वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है।